नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष जीवन विभव में। हम आपके इस चैनल के माध्यम से दैनिक पंचांग से अवगत कराएंगे। पंचांग का हर पूजा और मांगलिक कार्य में खास महत्व होता है। पुरातन काल से ही पंचांग देखे बिना कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता था, जो आज भी कायम है। पंचांग के 5 अंग नक्षत्र, तिथि, योग, करण व वार होते हैं, जिनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। आज का पंचांग है 13 अप्रैल 2024 का। अभी विक्रम संवत 2081 और शक संवत 1945 चल रहा है। तिथि पंचमी है, जो दोपहर 12:06 तक रहेगी, उसके उपरांत षष्ठी लग जाएगी। वार शनिवार है, मास चैत्र है, ऋतु बसंत है और पक्ष शुक्ल पक्ष है। सूर्योदय प्रातःकाल 6:01 पे है और सूर्यास्त सायंकाल 6:40। चंद्रोदय प्रातःकाल 9:25 पे है और चंद्रास्त रात्रि में 11:45 पे। नक्षत्र मक्षिया है, जो 14 अप्रैल की रात्रि 12:49 तक रहेगा, उसके उपरांत आद्रा लग जाएगा। योग शोभन है, जो 14 अप्रैल की रात्रि 12:33 तक रहेगा, उसके उपरांत अतिकंड लग जाएगा। करण बालव है, जो दोपहर 12:06 तक रहेगा, उसके उपरांत कोलाउजो की रात्रि 11:50 तक रहेगा। अब जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अभिजीत दोपहर 12:05 से 12:53 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:17 तक। गोधूलि मुहूर्त सायंकाल 6:27 से 6:51। अशुभ मुहूर्त राहुकाल प्रातः 9:10 से 10:46 तक। यमगंठ दोपहर 1:58 से 3:34 तक। गुलिककाल प्रातः 5:58 से 7:34। सूर्य अभी मीन राशि में है, जो कि सायंकाल 9:15 पर मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। चंद्र अभी वृषभ राशि में है, जो दोपहर 12:44 पर वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। दिशा सुलपुर में, स्वास्थ्य पूर्व की तरफ जाने वालों को सुझाव है कि उस ओर जाना स्थगित कर दें। अग्निवास आकाश में है, हवन आदि कर्म के लिए उपयुक्त समय नहीं। अब जानते हैं आज का व्रत त्योहार। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता का पूजन होता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। धार्मिक मान्यता है कि स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। उनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। वहीं मान्यता यह भी है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। माता स्कंद माता का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अब जानते हैं आज जन्म लिए बालक बालिका का फल। 13 अप्रैल के प्रातः 10:13 से 14 अप्रैल की रात्रि 12:33 तक जो बच्चा जन्म लेगा वो मृग शिरा नक्षत्र जन्मा बच्चा है। इनका जन्माक्षर भी वो काकी है, पाया स्वर्ण है। आज जन्मे बालक बालिका का स्वभाव काफी सौम्य आकर्षक होगा, बुद्धिमान और चतुर होंगे। उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करने की आदत होगी। अत्यधिक बुद्धिमान होने पर भी समय आने पर अपने गुण को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला पाएंगे। यह हमेशा ऊर्जा से भरे रहेंगे। जब तक बहुत ही साफ दिल के होंगे, लोगों को प्रेम करने वाले होंगे, लेकिन कोई छल करे तो फिर उन्हें माफ भी नहीं करेंगे। ये जातक जीव जन्मजात नेता बनने के गुण रखते हैं। सभा में हो या किसी मित्रों के समूह में उनकी नेतृत्व क्षमता स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। ये जीवन में अच्छे मंत्र साबित होंगे। इसके अलावा प्रेम में अटूट विश्वास रहेगा। इसी के चलते दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इन्हें स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। बीमार हुए भी तो 2-3 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। अब जानते हैं आज का शुभ चौकड़िया। दिन का चौकड़िया शुभ 7:34 से 9:10 तक। चर 12:22 से 1:58 तक। लाभ 1:58 से 3:34 तक। अमृत 3:34 से 5:10 तक। रात का चौकड़िया लाभ 6:46 से 8:10 तक। शुभ 9:34 से 10:57 तक। अमृत 10:57 से 12:21 तक। चर 12:21 से 1:45 तक। लाभ
4:33 से 5:56, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हमें आगे और भी अच्छा करने का एक वजह मिलेगी।